अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। शाम को सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन चिड़ियाघर और प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल वासियों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चिड़ियाघर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रेक्षागृह में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय कलाकारों को उचित मंच मिल सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। निर्माणाधीन प्रेक्षागृह, इन दोनों कार्यों का मैंने निरीक्षण किया है। कार्य दोनों में युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को समयबद्ध ढंग से इस कार्य को, कार्य की गुणवत्ता और उसके मानक को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में प्राणी उद्यान, यह प्रकृति के प्रति आम नागरिक के जुड़ाव के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के साथ साथ आने वाले पर्यटकों के लिए मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के लिए एक ज्ञानवर्धन और प्रकृति से जुड़ने का एक अनुपम अवसर होगा। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो 35 एनिमल वैरायटी हैं उनको इस गोरखपुर प्राणी उद्यान में स्थान मिले। साथ ही साथ यह भी प्रयास किया गया है कि उसमें 35 जो वैरायटी हैं उसमें से लगभग 200 से ज़्यादा पशु पक्षी ये सभी होंगे जिनको यहाँ पर रखने की व्यवस्था एक तो की जा रही है, साथ साथ तमाम अन्य मनोरंजन और ज्ञानवर्धन चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पर आने वाले सभी नागरिकों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे। और प्रयास है कि जून 2019 में इस प्राणी उद्यान को हम लोग गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रंगकर्मियों के लिए, साथ ही यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक और विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर के, ज्वलंत विषयों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के सेमिनार के आयोजन हो सकें, कार्यशालाएं हो सकें, इसके लिए यहाँ पर प्रेक्षागृह की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। हम लोगों ने उसको स्वीकृत कर दिया है। उससे जुड़ा हुआ थोड़ा एक मामला था जिसको थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्यदायी संस्था को इस कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लगभग 1100 सीटेड एक बड़ा ऑडिटोरियम है, 250 सीटेड सीट का एक है, एक मीडिया का रूम वहां दिया जा रहा है, मीडिया सेंटर वहां पर है, और भी वहां पर रंग कर्मियों के लिए एक एमपी थिएटर आदि की व्यवस्थाएँ भी वहाँ पर
सुविधाएं दी जा रही हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि प्रेक्षागृह का निर्माण होने के साथ ही यहाँ के रंगकर्मियों के लिए और विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की कार्यशालाओं के लिए गोरखपुर में एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह के साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रमों को एक नई गति मिलेगी और यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जोड़ने का एक माध्यम भी इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह के माध्यम से प्राप्त होगा।